no witness, no forensic evidence. His death note has already been written, sir. Wild Sally. Now it's time for a wild ride. तो दोस्तों साउथ सिनेमा में एक और बड़ी और पैन इंडिया मूवी आने वाली है। साउथ सिनेमा में अभी प्रत्येक मूवी को पैन इंडिया में रिलीज किया जा रहा है। अभी के टाइम पर हिंदी ऑडियंस भी पैन इंडिया मूवी बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए साउथ सिनेमा से जितने भी मूवी आते हैं वो सिर्फ पैन इंडिया में रिलीज होती है। इस पैन इंडिया मूवी में रेस में साउथ के सुपरस्टार के बेटे अखिल अखिनेने भी अपना नाम लिखवाने जा रहे हैं। ये मूवी करियर की सबसे बेस्ट मूवी होने जा रही है, इसलिए फिल्म को लेकर लोगों ने काफी ज्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। अगर बात करें इस फिल्म की कास्टिंग की तो अखिल अखिनेने के साथ कई फेमस एक्टर भी देखने को मिलेंगे तथा फेमस एक्टर में साक्षी वैद इस फिल्म में जबरदस्त रोल में नजर आने वाली है। बात करें इस फिल्म के प्रोड्यूसर की तो साउथ की बड़े डायरेक्टर में से एक सुरेंद्र रेड्डी के डायरेक्शन में बनने जा रही है और इस फिल्म के टीजर रिलीज होने के बाद ही जबरदस्त प्यार देखने को मिल रहा है। एक्शन पैन इंडिया मूवी होने जा रही है। मूवी के ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि भरपूर एक्शन होगा। लोग जल्द ही बड़े पर्दे पर इस फिल्म को देखना चाहते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि इस फिल्म में 90% काम पूरा हो चुका है। जल्द ही ये सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। इस फिल्म को 2023 में जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के मौके पर रिलीज किया जाएगा। एक्शन से भारी फिल्म की बजट 70 से 80 करोड़ के बीच होने वाले हैं और ये पैन इंडिया में रिलीज होगी। बात करें इस फिल्म के हिट या फ्लॉप होने की तो ये फिल्म बहुत सारे बड़े एक्टर भी देखने को मिलेंगे, उस हिसाब से ये फिल्म जबरदस्त कमाई कर सकती है और हिट भी होगी। पर हाँ दोस्तों, जो लोग एक्शन से भरी फिल्म को देखना पसंद करते हो तो इस फिल्म को जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah!